नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम के उपागम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाठ्यक्रम के सिद्धांत के बारे में बताया था। मैंने बताया था आपको कि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसके लिए हम अपने एक सिद्धांत बनाते हैं। कहते हैं कि बिना सिद्धांत के हमारे कार्य पूरा नहीं होता। इसी तरीके से आज मैं सिद्धांत के बारे में, मैं आज आपका जो टॉपिक है उपागम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पाठ्यक्रम के उपागम में हम देखें, कहते हैं कि जब हमें पाठ्यक्रम का विकास करना होता है, संपादन अर्थात उसे बनाना होता है, जब उसे सिद्धांत के द्वारा हम उसे लागू करते हैं, तो कहते हैं कि पाठ्यक्रम के जहाँ संपादन अर्थात उसको बनाने के लिए और उसको विकास करने के लिए जिस तरह से सिद्धांत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से हमारे उपागम भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम उपागम को देखें तो उपागम का अर्थ हम बता सकते हैं। उपागम को हम जहाँ हम कहते हैं इंग्लिश में उसे अप्रोच कहते हैं, तो इसका अर्थ अगर हम देखें ये तो घटक होते हैं हमारे। अप्रोच मीन्स घटक। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जब किसी चीज़ को जानते नहीं है, जब हम किसी चीज़ को जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो हम उस चीज़ को जानने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। अर्थात उस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस चीज़ को हम जानते हैं तो बिना घटक के, बिना अप्रोच के हम किसी चीज़ को नहीं जान सकते। तो कहते हैं कि उपागम होते हैं जब हम किसी चीज़ की रूपरेखा बनाते हैं, हम कोई घटक, तो वो एक हमारे घटक का काम करता है। अर्थात हमें उस चीज़ को जानने के लिए हमें एक तरीके से हमारा मार्गदर्शक बनता है। जिस चीज़ को हमें जानना होता है वो हमारा उपागम होता है। कि उस चीज़ को हम किस तरीके से जानते हैं, किस, कहते हैं ना कि हम जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, जब हम किस व्यक्ति को जानते ही नहीं हैं, तो हमारा घटक क्या बनता है, हम उससे उनके नाम पूछते हैं, उनका एड्रेस पूछा था, उनका परिचय लेते हैं, सामान्य परिचय। जो सामान्य परिचय हमने लिया है वो हमारा उपागम हो गया, वो अधिगम करता है। अर्थात उस व्यक्ति को जानना और समझना उनके लिए वो उपागम है। तो यही कहेंगे हम कि उपागम हमारे घटक होते हैं। जब हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, उसके पास जाते हैं, तो यही उपागम, ये जो हम जानना और समझना होता है वो हमारे उपागम का कार्य करते हैं, उसे हम उपागम कहते हैं। एक हम कहें कि प्रतिमानों का, अगर उपागम की हम अर्थ में देखें तो उपागम का अर्थ है कि प्रतिमानों का संगठन जो अधिगम कर्ताओं का अनुभव प्रदान करने में अनुसरण करता है। यानी कि जो हमने अनुभव लिया है, हम कह रहे हैं हमने पाठ्यक्रम का निर्माण किया है, पाठ्यक्रम का निर्माण जब हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो उस निर्माण करने में, पाठ्यक्रम को बनाने में हमने हमारे अनुभव लगाए हैं। अब अनुभव हमने लगाए हैं तो जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसी चीज़ का समावेश होगा जिसे हम नहीं जानते, अर्थात हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे घटक बन जाते हैं कि हमें किस तरीके से उस चीज़ को जानना है, समझना है, या हम कहें कि उसकी किस तरह से हमें रूपरेखा बनानी है, ये रूपरेखा हम बनाते हैं, तो वो हमारे उपागम में काम आते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे अधिगम करता है, यानी कि जो सिखाने वाले या सीखने वाले होते हैं उनका अनुभव भी हम प्रदान करते हैं। अगर अधिगम करता जो अनुभव करता, हम कहते हैं कि अनुभवशील है, तो हम उनका अनुसरण करते हैं, अर्थात उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। तो हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम के उपागम हमारे, जब हमारे पाठ्यक्रम का विकास करने में, संपादन करने में, इन कार्यों में ये हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना हम पाठ्यक्रम का विकास हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम में हमारे उपागमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से हमने देखा है पाठ्यक्रम को चार, जो पाठ्यक्रम के उपागम हैं उनको चार भागों में इनका विभाजन किया गया है। पहला है हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी कि फर्स्ट है हमारा अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम। सेकंड है हमारा विस्तृत क्षेत्र का पाठ्यक्रम। थर्ड है हमारा सामाजिक समस्या का पाठ्यक्रम। थर्ड है हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इस तरह से पाठ्यक्रम के उपागम को चार भागों में इनका विभाजन
विभाजन किया है। अब सर्वप्रथम है हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम। अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम, अधिगमकर्ता यानी कि हम जब हम सीख रहे हैं, यानी कि जब पाठ्यक्रम बनाएंगे तो पाठ्यक्रम हम किस पर निर्धारित होता है? पाठ्यक्रम बालक पर, सीखने वालों पर, अधिगमकर्ता पर। यानी कि हमारा पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा घटक है वो क्या हो गया? अधिगमकर्ता, अर्थात हमारा बालक। यानी कि जो हमने इसमें बताया कि उपागम में जब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम किस चीज का समावेश है, तो वो है हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम। यानी कि जो हमारा अधिगम करने वाले बच्चे हैं उनसे संबंधित हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये हमारे उपागमों का मानना होता है। कि इसीलिए इसी में ही वो आगे विकास करते हैं कि किस तरीके से अधिगमकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए, विद्यार्थी को सीखने के लिए आगे प्रेरित किया जाए, ये हमारे उपागम में हमें सच्चे से बताया जाता है। इन अप्रोचों के माध्यम से, इन घटकों के माध्यम से हम जब पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अधिगमकर्ताओं का समावेश करते हैं और उसी के आधार पर हम हमारा पाठ्यक्रम बनाते हैं। कहते हैं कि अधिगमकर्ता जो केंद्रित, कहते हैं ना कि हम विषय हमारा किस पर फोकस है? हमारा अधिगमकर्ता। कहते हैं कि पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता ग्रहण कर रहा है वो हमारे भावी जीवन को किस तरीके से आगे ले जाता है, या भावी जीवन को संचालित कौन करता है? अधिगमकर्ता। यानी कि अधिगमकर्ता का जो पाठ्यक्रम है वो उसके भावी जीवन पर आधारित होता है, भावी जीवन पर। कहते हैं कि कान्हा के पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमें आगे तक हमारे काम में आए। तो इसमें वही चीज बताई गई है, अधिगमकर्ता के लिए कहा गया है कि अधिगमकर्ता का जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं, विद्यार्थी के लिए जो हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, वो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कि उनके भावी जीवन में काम आए। इसलिए हमें जो अधिगमकर्ताएं हैं इस भावी जीवन में जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरी कर सकें, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और यही बताया जाता है कि जहाँ पाठ्यक्रम में उपागम अर्थात घटक क्यों होते हैं, उसका विकास करने के लिए। तो ये कहते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को हम किस तरह से पूरी करते हैं और इसको हम और ज़्यादा किस तरह से विकसित करते हैं, ये हमें अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम में बताया जाता है। तो फर्स्ट जो उपागम है हमारा वो है हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम, या हम कह सकते हैं इसको बाल, जो हम अपनी भाषा में कहते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अर्थात जो सीखने वाला है उस पर केंद्रित होना चाहिए। कि उपागम कि पाठ्यक्रम को इतना रोचक बनाया जाए, इतना महत्वपूर्ण बनाया जाए कि जिसमें जो विद्यार्थी है वो अपने भावी जीवन की पूर्ण तैयारी करे, जिससे कि उसे आगे अपने भविष्य में जो आवश्यकताएं उसके सामने आती हैं उन आवश्यकताओं को बहुत अच्छे से उनको पूरा कर सके और उनके जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का वो इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, यानी कि अपने जो शिक्षा संबंधी, जो विषय संबंधी उनके सामने जो समस्याएं आए उन समस्याओं का वो निराकरण कर सके। तो फर्स्ट हो गया हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम। और ये पाठ्यक्रम क्यों तैयार करते हैं? विद्यार्थी के भावी जीवन के लिए, कि विद्यार्थी अपने भावी जीवन में जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें वो पूरा कर सके और एक, अब कहते हैं ना, विकासशील, विकसित बने वो और आगे बढ़ते रहे। तो अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रथम सोपान, जो प्रथम उपागम है हमारा, सेकंड है हमारा विस्तृत क्षेत्र, सेकंड है हमारा विस्तृत क्षेत्र। जैसे कि इसके नाम से ही संबोधित होता है कि विस्तृत, यानी कि जो बड़ा होता है, अर्थात हम कहते हैं कि जहाँ हमारी शिक्षा, आज की शिक्षा का हम रूप देखते हैं तो वो शिक्षा का रूप भी हमारा व्यापक है। तो जब शिक्षा का रूप ही हमारा व्यापक होगा तो हमारा क्या होगा? पाठ्यक्रम का क्षेत्र भी कैसे होगा? बड़ा होगा। हम कहते हैं कि एक तो हम कहते हैं कि एक विषय का हम अध्ययन करते हैं जिसमें हम केवल एक विषय का अध्ययन, अगर हमें गणित पढ़नी है तो हम उसमें गणित ही पढ़ते हैं, लेकिन विस्तृत क्षेत्र जिसमें एक से अधिक विषयों का समावेश होता है, अगर इसे हम कहें कि हमारी एक समस्या के अंदर जिसमें हमारी अनेक समस्याएं छिपी हुई होती हैं, तो विस्तृत क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि दो या दो
समावेश हो गया, अर्थात इसमें दो से ज्यादा विषयों का, दो से अधिक क्षेत्र इसके अंदर समाहित हो गए। तो कहते हैं कि हमारा जो उपागम है वो ये कहता है कि हमारा जो पाठ्यक्रम बने उस पाठ्यक्रम का क्षेत्र हमारा विस्तृत होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं सीखने वाले अधिगम करता है वो हमारे इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे इस चीज़ का ज्ञान बढ़ सके। तो इसमें कहते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम विस्तृत क्षेत्र पर आधारित होना चाहिए कि उसमें एक कहते हैं ना दो या दो से अधिक विषयों का इसके अंदर समावेश होना चाहिए, ऐसा हम पाठ्यक्रम के लिए मानते हैं। थर्ड है हमारा जहाँ होता है सामाजिक समस्या। हम कहते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा विद्यालय हमारे समाज और हमारे परिवार दोनों से जुड़ा हुआ है। हम कहें कि प्रथम पाठशाला हमारा परिवार होता है, और उसी तरह से हम कहते हैं कि समाज का लघु रूप हमारा क्या होता है, विद्यालय होता है। तो जब हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं शिक्षा से, तो शिक्षा से जब हमारा पाठ्यक्रम बनता है तो उस पाठ्यक्रम में हमें हमारी सामाजिक समस्याओं से भी हमारी पहचान करवाई जाती है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारे सामने ऐसे अनेकों हमारी समस्याएं आती हैं जो हमें उनको पहचानना जरूरी होता है। और उपागम क्या करता है, हमें उन समस्याओं को पहचान करवाता है, उसकी वो रूपरेखा बनाता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को करते हुए हमारे सामने ऐसे कौन कौन सी चीजें आएंगी जिनको लेकर हमें कार्य करना होगा। तो जहाँ हमारा फर्स्ट किसने चयन किया था, अधिगम करता केंद्रित पाठ्यक्रम विस्तृत क्षेत्र पाठ्यक्रम, उसी तरीके से थर्ड है हमारा सामाजिक समस्या। तो उसमें बताया गया है कि जब हमारा विद्यालय समाज से जुड़ा हुआ है, समाज का कहते छोटा रूप होता है, तो हमारे सामने हम जिस समाज में रहते हैं हमारे समाज में रहने वाली जो भी हमारी समस्याएं होती हैं वो समस्याएं भी हमारी इसके अंदर आती हैं। अब हम कहें हमारी समस्या कौन कौन सी आ गई, हम कहते हैं समाज में हमारी व्याप्त बुराइयां, जनसंख्या वृद्धि, हमारा जो पर्यावरण का कहते हैं कि हमारा वातावरण पर्यावरण, ये सब समस्या सामाजिक समस्या इसमें कौन कौन सी, हम कहें कि जनसंख्या पर्यावरण, और हम कहें कि हमारे जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं इस समाज में हमारे रहने खाने ये अनेकों हमारी व्यवस्थाएं होती हैं जो कि हमें समाज में रहते हुए हम इन समस्याओं को पूरा करते हैं, हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम उस समस्या को दूर कर सके। किस तरीके से दूर करें ये हमें हमारा पाठ्यक्रम बताता है, किस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम किस तरह से इस समस्याओं को हल करते हैं और इस उपागम के द्वारा उस समस्या को हम दूर करते हैं। तो कहते हैं कि जो सामाजिक समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम कह रहे हैं जनसंख्या, या हम कहें कि हमारे पर्यावरण, या हम कहें कि हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां कि हम इन बुराइयों को कहा ना कि जो हमारी बुराइयां जितनी भी हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर हमने किसके माध्यम से किया है, शिक्षा के माध्यम से। कहते हैं शिक्षा एक ऐसी जन चेतना होती है, जो शिक्षा का एक ऐसा उजियारा होता है जिसे कहते हैं कि हम एक दीपक होता है जिससे कि हम हमारे समाज में व्याप्त समस्त अंधकार को हम दूर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कहते हैं कि अगर हमारे शिक्षा से अगर समाज जुड़ा नहीं होता है, या हम कहें कि व्यक्ति अगर समाज से जुड़ा नहीं है तो क्या वो शिक्षित कहलाएगा। कहते हैं कि अगर उसे समाज में व्याप्त या समाज में जो हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं का जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, व्यक्ति सिर्फ एक अपने एक शिक्षित होने का प्रमाण लेगा, बाकी एक कहते हैं एक सभ्य नागरिक नहीं बन सकता जब तक कि वो इन सब चीज़ों से अपनी पहचान नहीं करता है, या कहें कि शिक्षा को सामाजिकता से जोड़ना अनिवार्य होता है। समाज में जो हमें केवल शिक्षा ले और समाज में हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को अगर हम जाने ना समझे ना तो कहते हैं हमारे देश में हमारे समाज में एक ये भयंकर स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति जब खुद शिक्षित है लेकिन वो सभ्य नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसमें बताया है कि जनसंख्या
और जो हमारे कहते हैं ना कि सामाजिक समस्याएं कि पाठ्यक्रम उपागम में इस चीज का समावेश किया गया है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो सामाजिक समस्या वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। अर्थात समाज में हमारी जो समस्याएं होती है, जो परेशानियां होती है, उन समस्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए, उन्हें पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाना चाहिए और उस व्यक्ति कहते ना अधिगमकर्ता को इतना योग्य बनाना चाहिए कि वो उस समस्या से उस समस्या को दूर कर सके। और उस समस्या को दूर करने के लिए उन्हें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है कि किस तरीके से हमें इस समस्या को दूर करना है, ये हमारे पाठ्यक्रम में बताया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक समस्या का जो घटक है, जो उपागम है, उसका समावेश हमारा पाठ्यक्रम में जरूर होना चाहिए, जिससे कि हम हमारे पाठ्यक्रम को आगे की ओर विकसित कर सकें। फिर है हमारा लास्ट में विषय केंद्रित उपागम। अर्थात जैसा मैंने आपको बताया था कि विस्तृत क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि जहाँ दो या दो से अधिक विषयों का समावेश, लेकिन अगर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ अपने विषय पर केंद्रित होते हैं, जहाँ विद्यार्थी या हम कहें कि जो हमारे अधिगमकर्ता अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी विषयों का ज्ञान प्रदान या ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम विषय के अकॉर्डिंग हमारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें हमारी समस्त विषय आ जाती है, लेकिन वो प्रत्येक समस्त विषय हो जाती है। कहते हैं कि पाठ्यक्रम जब हम लागू कर रहे हैं, पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं, हम कह दें कि हम सेकेंडरी लेवल का पाठ्यक्रम तैयार कर रहे थे, तो उस सेकेंडरी में हमारी कहते हैं हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि विषयों का उसके अंदर समावेश होता है, प्रत्येक विषय का समावेश होता है, जिसमें हम प्रत्येक एक एक विषय हम उसमें पढ़ते हैं। तो इसमें कहते हैं कि हमारा जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, जो पाठ्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं, कि विस्तृत तो था ही, लेकिन हमारा विषय केंद्रित भी होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा हम छोटे होते हैं तो हम पार्टिकुलर प्रत्येक विषय के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम आगे विस्तृत क्षेत्र पर नहीं बढ़ सकते, जिसे हम कहें कि हम कोई हमारा एक क्षेत्र नहीं चुन सकते। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारा पाठ्यक्रम जो है वो हमारा पाठ्यक्रम हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। सबसे अगर कहते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी होती है, हम देखते हैं कि प्रत्येक जो टीचर है या स्टूडेंट है वो उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो प्रत्येक विषय पढ़े और उन्हीं विषयों का वो अध्ययन करके और आगे जहां हम कहते हैं कि हमारी विषयों का हम चयन करना सीखते हैं। कहते हैं कि यहाँ हम ऐच्छिक विषय जो हमारे कहते हैं हम पहले जो अनिवार्य विषय पढ़ते हैं उसके बाद में हम अपनी ऐच्छिक विषयों का चयन करना हमें कब आता है, जब हम विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारी जो हमने पढ़ा आज के टाइम पे, कहते हैं कि हम जब विषयों का ज्ञान करते हैं, विषय केंद्रित उपागम, इस उपागम में हमारा फोकस विषय पर ही रहता है, सब्जेक्ट पर रहता है। हम कहते हैं कि जब जिस चीज के बारे में जानेंगे ही नहीं, जिस विषय के बारे में हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो क्या हम उस चीज को आगे अपने जीवन में ले सकते हैं, काम में नहीं ले सकते। यही हमारा जो उपागम है वो हमें सबसे पहले यही चीज सिखाता है, कहते हैं उपागम हमें पहचान करवाता है। तो हमारा पाठ्यक्रम क्या करेगा, हमें पहले हमें हमारी विषयों का हमें पहचान करवाएगा कि हम देखें हम हिंदी में क्या पढ़ें, हम देखें हम मैथ में क्या पढ़ें, सामाजिक में हमारे क्या आते हैं, और यही विषय हमारी आगे जाकर हम एक विस्तृत पाठ्यक्रम में इसका समावेश हो जाता है, उसी के आधार पर हम अपने विषयों का चयन करते हैं। तो ये हमारे जो आज पाठ्यक्रम के उपागम मैंने पढ़ाया आपको अप्रोच के बारे में, अगर हम कहें हम इसे घटक भी कह सकते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम हमें हमारी जो प्रत्येक हम जो पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं, पाठ्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी पहचान करवाना हमें कौन सिखाता है, पाठ्यक्रम। कहते हैं जिस चीज से हम अनजान होते हैं उस
चीज को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसे किस तरह से उसको आगे बढ़ाने की हमें पहचान दिलानी है, ये पहचान हमें हमारे पाठ्यक्रम के उपागम करवाते हैं। तो उपागम का मैंने आज आपको बताया चार भागों में विभाजन। प्रथम था हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम, सेकंड था हमारा विस्तृत क्षेत्र पाठ्यक्रम, थर्ड था हमारा सामाजिक समस्या पर आधारित पाठ्यक्रम और फोर्थ था हमारा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अब इन चारों का हम देख के हम कह सकते हैं कि हमारा जो आज का पाठ्यक्रम है वो ऐसा पाठ्यक्रम है कि जिससे हम हमारी प्रत्येक आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं, अर्थात हम प्रत्येक जो हमारे जीवन में होने वाली हमारे कहते हैं ना कि हमें जहाँ शिक्षा आजीविका बन रही है, यहाँ हमारी शिक्षा आजीविका भी बन रही है, हमें समाज से भी जोड़ रही है और हमें शिक्षित भी कर रही है। तो ये सारे कार्य हमें हमारे किसके माध्यम से होता है, हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो ये हमारे पाठ्यक्रम के उपागम थे। नेक्स्ट जो मैं आपको आगे का जो टॉपिक है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ उसे अपने अपनी नोटबुक में लिखें और ये उपागम जिसका अर्थ मैंने आपको ढंग से बताया है, ये सभी जो भी पॉइंट आपको करवाए जा रहे हैं वो पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।